तो हाल फिलहाल में आईपीएल 2023 को लेकर फैंस के मन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जहाँ से कुछ ऐसी अपडेट्स आई हैं जिन्होंने फैंस को थोड़ा सा मायूस भी किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी है और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी है। अब जैसे आरसीबी टीम में जॉश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल, आखिर क्या इन पर अपडेट है, कब तक ये फिट हो जाएंगे, कब तक अपनी टीम के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। तो वहीं पर पंजाब किंग्स टीम के लिए अब लियाम लिविंगस्टन कहाँ है, ये कब आएंगे, क्या ये खेलेंगे दूसरा मुकाबला या फिर ये कब तक, मतलब इन पर क्या अपडेट आ रही है, अपडेट है मुंबई इंडियंस के कप्तान हिटमैन पर, आखिर वो क्यों कल फोटो सेशन में हमें नहीं देखने को मिले, क्या कारण है, क्या वो फिट है, क्या वो आरसीबी के अगेंस्ट खेलेंगे, और भैया हैदराबाद टीम का कप्तान कौन है एडन मार्करम की गैर मौजूदगी में, केकेआर टीम के लिए श्रेयस अय्यर पर क्या अपडेट है। कुल मिलाकर भैया इतनी खबरें हैं और इतनी सारी जानकारियां हैं जो आप लोग जानना चाहते हैं और इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं। तो ऐसे में चलिए, जब दोनों की जरूरतें, आशाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं जब मिल चुकी हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग इतना सा कर दीजिए, इतना तो करना बनता है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो नीचे से वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि अब इतनी अपडेट्स आ रही है ना कि भैया आप लोगों तक हर एक अपडेट पहुंचाते हम रहते हैं इसी चैनल के माध्यम से। तो आप लोग भैया सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन दबाएंगे तो हर बार आप तक ताजा तरीन और एकदम तगड़ी तगड़ी जानकारियां पहुंचती रहेंगी। और ऐसे में दोस्तों, इसके पहले कि मैं यहां पर शुरुआत करूं, सीधा मुद्दे की बात करूं और यह बताऊं आप लोगों को कि क्या क्या खबरें हैं, पहले मैं क्लियर कर देना चाहूंगा आज के मौसम को लेकर लोगों के मन में थोड़ा सा संदेह है कि अहमदाबाद में क्या बारिश तो नहीं होगी, क्योंकि कल बारिश हुई थी, क्या पहले ही मुकाबले में बारिश का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो लेट मी जस्ट टेल यू दोस्तों कि हाल फिलहाल में जो वेदर रिपोर्ट है वो यही कह रही है कि आज मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बारिश के कोई अनुमान नहीं है और आज हमें आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी, पूरा आईपीएल का पहला मुकाबला अच्छे से कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा, एज पर रिपोर्ट्स तो यही मानना है। बाकी आपको पता है मौसम तो भैया अनिश्चितताओं का ही खेल है, थोड़ा सा क्रिकेट जैसा ही है। और ऐसे में अब दिन भर क्या होगा, जैसी अपडेट्स आएंगी लाइव फ्रॉम द स्टेडियम हम आप लोग को अपडेट करेंगे, कहां पर, सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जी हां, डॉक्टर क्रिक पॉइंट का टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज आपके पास एक्सक्लूसिव वीडियोज स्टेडियम से आएंगी, अपडेट्स आएंगी, और सिर्फ आज नहीं भैया पूरे आईपीएल में यह सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा, इसीलिए मस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद जैसी अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको दिन भर की सारी अपडेट्स और लाइव विजुअल शेयर करते रहेंगे। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और टेंशन लेने की जरूरत आपको तब भी नहीं है अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलना चाहते हो इस पूरे आईपीएल, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि इन सभी आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आ गया है विजय भाव एप्लीकेशन। जी हां दोस्तों, जिन्होंने यहां पर दो ऑफर्स रखे हैं आप सभी लोगों के लिए, पहली बात तो यहां पर हर एक दिन आप लोगों के लिए फ्री रोल गिव अवे होगा, गिव अवे कॉन्टेस्ट होंगे लगभग 10,000 के, मतलब मिनिमम 10,000 के, इससे ज्यादा के भी होने वाले हैं, जहां पर आप 0 रुपीज, जी हां 0 रुपीज में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके दिन भर हजारों लाखों बना सकते हो। और तो और सिर्फ इतना नहीं दोस्तों, अगर आप लोग को फैंटेसी क्रिकेट ना भी खेल के यहां पर पैसे अर्न करने ना, तो उसके लिए विजय भाव ने रिफर एंड अर्न प्रोग्राम लाया, जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ इस एप्लीकेशन को रिफर करो और अगर वो डाउनलोड करते हैं ना, तो भाई आपको यहां पर रियल कैश बैक मिलेगा, बोनस कैश नहीं, रियल कैश, जिसको आप इजिली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं भैया। और साथ ही साथ आप जितना रिफर करेंगे उतने यहां पर आपको प्राइजेस मिलेंगे, बाइक्स, गाड़ियां, सिर्फ रिफर करने से मिल रहा है मेरे भाई, बात समझ रहे हो। तो ऐसे में यार इससे ज्यादा बेहतर बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तो कहीं हो ही नहीं सकती। अगर अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं तो मेरे भाई आप इंतजार ही करते रह जाएंगे। इस पूरे इंडियन T20 लीग में विजय भाव ऐसे ऑफर्स लेकर आए हैं ना, जिनको सुन के मैं सच में मैं इतना ज्यादा यहां पर खुश हूं ना कि पूरे आईपीएल मैं तो यहीं पर खेलने वाला हूं, आप भी खेलिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा, फटाफट जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और भैया जितने कॉन्टेस्ट हैं सब में पार्टिसिपेट करिए। बाकी आपको पता है कि जो टीम देना है वो तो हमारे फैंटेसी चैनल पर आ ही रही है ना। जी हां, डॉक्टर क्रिक पॉइंट फैंटेसी, जहां पर हम हर दिन आपको क्वालिटी टीम आईपीएल के पूरे मैचेस के दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको हमारे फैंटेसी चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां पर फटाफट से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे में अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, सीधा मुद्दे की बात करते हैं, बहुत बातें हो गई, चलिए खबरें यहां पर शेयर कर देता हूं आप लोगों से। सबसे पहले दोस्तों जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि क्या एमएस धोनी आज फिट हैं या फिर नहीं। जी हां, सीएसके के सीईओ ने क्लैरिफाई कर दिया कि एमएस धोनी पूरी तरीके से फिट हैं और आज का मुकाबला खेलने भी वाले हैं। कल आपको पता है संकट के बादल मंडरा रहे थे जब बताया गया कि उनको नी इंजरी है और शायद वो पहले मुकाबले में बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, लेकिन सीएसके के सीईओ ने जब खुद कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, वो रेस्ट नहीं करेंगे, हां उनको इंजरी है बट वो उतनी सीरियस नहीं है, तो फिर उनकी बातें हैं तो हम डेफिनेटली मान सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अपडेट नंबर 2 निकलकर सामने आ रही है कि आकाश सिंह ने रिप्लेस कर लिया है मुकेश चौधरी को
को सीएसके के स्क्वाड में आईपीएल 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पता है कि मुकेश चौधरी इंजरी से सफर कर रहे थे, वो रूल्ड आउट हो गए और ऐसे में आकाश इसके पहले खेल चुके हैं रजवाड़ों के लिए, राजस्थान रॉयल्स के लिए, अब सीएसके के लिए खेलेंगे। हाल फिलहाल में डोमेस्टिक में टेरिफिक रहे हैं, बहुत बेहतरीन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखना है कि उनको किस तरीके से सीएसके टीम यूज़ करेगी। और उसके बाद दोस्तों अपडेट नंबर 3 है आरसीबी टीम के फैंस के लिए। जी हाँ, आप लोग को पता है कि जॉश हेजलवुड आईपीएल 2023 के इनिशियल स्टेजेस के मुकाबले मिस करेंगे, ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है। हालांकि ये बात हमने आपको बहुत पहले से बताई, कई बार बताया कि जॉश हेजलवुड नहीं आ रहे, इस महीने आ ही नहीं रहे हैं, वो आएंगे अगले महीने, एंड इनफैक्ट पहले लग रहा था कि अगले महीने के पहले सप्ताह तक आ जाएंगे, पर फिर ये भी समझ आ गया कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा और डिले होगा। एंड ऐसे में दोस्तों अब रिपोर्ट्स का ये कहना है कि हेजलवुड दरअसल अभी ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे, वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल स्टाफ से बातचीत करेंगे और उसके बाद वो ये तय करेंगे कि क्या वो आईपीएल में पार्टिसिपेट करेंगे भी या फिर नहीं करेंगे। तो ऐसे में कुल मिलाकर बात ये है कि अभी टाइम लगने वाला है, और अगर आप मुझसे जानना चाहते हो कि कब आएंगे जॉश हेजलवुड, तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि आधे आईपीएल तो उनके दर्शन नहीं ही होने वाले। नेक्स्ट अपडेट में मैं आप लोगों से ये शेयर कर देना चाहता हूं कि जॉश हेजलवुड की अगर कोई एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है, वैसे तो कंफर्म है ही नहीं, अभी उन्हें खुद नहीं पता कि वो कब आएंगे भारत, लेकिन अगर कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो 15 अप्रैल के बाद ही करना, मुझे नहीं लगता उसके पहले जॉश हेजलवुड के अब लग रहा है दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि शुरुआती मैचेस वो मिस करेंगे पूरी तरीके से, वो अपनी रिकवरी पर ध्यान देंगे और उसके बाद क्रिकेट के मेडिकल स्टाफ से कंसल्ट करने के बाद ही वो कहीं ना कहीं लास्ट आईपीएल फेजेस में आपको भले पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ जाएं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं आरसीबी फैंस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि हेजलवुड इस टीम के बहुत इंपॉर्टेंट एसेट थे एज अ गेंदबाज, जिस तरीके के हाल फिलहाल की उनकी गेंदबाजी रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको बहुत सारे मैचेस के लिए अब मिस करेंगे। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो भैया आरसीबी टीम को एक और बड़ा झटका लगा। अब आपको पता है कि इनको अपना ओपनिंग मैच अगेंस्ट मुंबई इंडियंस खेलना है, लेकिन इस मैच के लिए ग्लेन मैक्सवेल काफी हद तक डाउटफुल बताए जा रहे हैं, और उसका कारण दोस्तों यह है कि मैक्सवेल अभी भी अपनी लेग इंजरी से रिकवर हो रहे हैं, उन्हें लग रहा था कि वो रिकवर हो चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने बताया ये कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो उनका वर्कलोड मैनेजमेंट है ना, वो थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि पहले मुकाबले के लिए फिट हो जाएं, परंतु रिपोर्ट्स का ये मानना है कि शायद फिट नहीं होंगे। अगर फिट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि माइकल ब्रिसवेल उन्हें आपको प्लेइंग 11 में रिप्लेस करते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आरसीबी फैंस ये चाहते हैं कि ग्लेन मैक्सवेल फिट हो जाए, तो देखना है दोस्तों क्या होता है। मेरी समझ से चांसेस थोड़े से कम ही नजर आ रहे हैं, बाकी आगे जैसी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। और इसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो अपडेट है यहां पर पंजाब किंग्स के खेमे से। जी हां दोस्तों, लियाम लिविंगस्टन, अब आप सभी लोगों को पता है कि लियाम लिविंगस्टन आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला पंजाब किंग्स के लिए मिस करेंगे, एंड मैं आप लोग को बता दूं कि दरअसल वो अगले हफ्ते आने वाले हैं आईपीएल 2023 को ज्वाइन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल के पहले वीक में वो भारत आएंगे, और ऐसे में दोस्तों ये बताया जा रहा है कि शायद दूसरे मुकाबले से यहां पर लियाम लिविंगस्टन अवेलेबल होंगे, और पंजाब किंग्स के फैंस ये चाहते भी हैं कि भैया वो अवेलेबल रहें, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कितने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं वो पंजाब किंग्स टीम के लिए। तो आप लोग को मैं बता दूं कि पंजाब किंग्स के फैंस ज्यादा परेशान मत होइए, पहला मुकाबला तो वो मिस कर ही रहे हैं श्योर शॉट, लेकिन दूसरे मुकाबले के लिए वो शायद अवेलेबल रहेंगे, अगले हफ्ते वो भारत आ जाएंगे अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से उन्हें क्लियरेंस मिल जाती है। और इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट है वो यहां है एमआई के कप्तान को लेकर। जी हां दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज रिपोर्ट किया कि एक्चुअली आज कल रिपोर्ट किया कि रोहित शर्मा ने जो कल मतलब वो सेरेमनी जो थी यहां पर, जहां पर सारे कप्तान अहमदाबाद में थे फोटोशूट के लिए, उसको इसलिए मिस किया था क्योंकि वो अनवेल थे। जी हां दोस्तों, उनको कोई इंजरी नहीं है बल्कि वो थोड़े से बीमार हैं, और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि अपने पहले मुकाबले के लिए जो आरसीबी के अगेंस्ट है उसमें आपको हिटमैन फिट नजर आएंगे, उनको कोई बीमारी का भी इशू नहीं रहेगा और वो पहले मुकाबले के लिए अवेलेबल रहेंगे, लेकिन यहां पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो फिट होने ही वाले हैं पूरी तरीके से, क्योंकि अभी तो वो बीमार ही बताया जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के फैंस के लिए बड़ा झटका, एमआई के फैंस के लिए बड़ा झटका है, पर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है एमआई खेमा की कोई इतनी सीरियस बात नहीं है, और वो आपके लिए खेलते हुए नजर आएंगे अगेंस्ट आरसीबी चिन्नास्वामी के मैदान पर। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो ये अपडेट है श्रेयस अय्यर को लेकर। आप लोग को पता है कि श्रेयस अय्यर के बारे में अभी भी केकेआर का खेमा
यही कह रहा है कि वो कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ ऑफ आईपीएल खेल सकते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर का एक्चुअली ये मानना है कि उनका फोकस है WTC के फाइनल पर, उन्हें WTC के फाइनल के लिए अवेलेबल होना है और इसके लिए अब वो NCA पहुंच चुके हैं जहां पर वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, उस इंजेक्शन के साथ वो रिकवरी करने का प्रयास करेंगे और अगर वो फिट होते हैं, तैयार होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं WTC फाइनल की तरफ फोकस करेंगे। तो कुल मिलाकर यार बहुत मुश्किल ही लग रहा है कि श्रेयस अय्यर अब IPL खेलते हुए नजर आए ईमानदारी से, पर देखना है क्या पता सेकंड हाफ ऑफ IPL में अगर वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं अगले कुछ दिनों में तो शायद खेलते हुए नजर आ जाए, लेकिन मुझे चांसेस पर्सनली कम नजर आ रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें आज दिन भर की लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट के बारे में। तो भैया आप लोग में से काफी मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे, वैसे आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी क्लैरिफाई कर दूं दोस्तों कि अगर हैदराबाद टीम के फैंस ये जानना चाहते हैं कि कौन होगा एडन मार्करम की गैर मौजूदगी में उनकी टीम का कप्तान, तो भुवनेश्वर कुमार होने वाले हैं, वो उनको लीड करेंगे। इस चीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो रखी है और साथ ही साथ हाल फिलहाल में प्री फोटोशूट में भी हमें भुवनेश्वर कुमार ही हैदराबाद को रिप्रेजेंट भी करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में भुवी की कप्तानी में हैदराबाद अपना पहला मुकाबला खेलेंगे और उम्मीद करेंगे कि मुकाबले को जीते भी। तो ऐसे में दोस्तों ये रही आज दिन भर की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट महा इंपॉर्टेंट खबरें जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स थे अपनी अपनी टीमों के खिलाड़ियों को लेकर। तो आई होप मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है, आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोग को मतलब वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वंस अगेन आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज डाउनलोड विजय भव एप्लीकेशन, सिर्फ आपका फायदा है दोस्त, क्योंकि सच में बता रहा हूं मैंने बहुत फैंटेसी एप्स यूज किए हैं पर इससे बेहतर मुझे अभी तक कोई मिला नहीं है जहां पर इतने सारे ऑफर्स चल रहे हैं ना, जो कि मतलब बेहतर नहीं बेहतरीन है। अभी डिपॉजिट लीडर बोर्ड भी यहां पर चल रहा है जहां पर आपको डिपॉजिट करने पे सिर्फ केवल कैशबैक ही नहीं मिलेगा बल्कि गारंटीड गिफ्ट्स मिलेंगे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस एप्लीकेशन पर जाकर डिपॉजिट करोगे आपको उतने ही फायदे मिलने वाले हैं, मतलब कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे करके जो जीतोगे वो तो एक अलग चीज है, वो तो हमारी फैंटेसी टीम से आप जीतने ही वाले हो, उसके अलावा भी इतने सारे ऑफर्स हैं जो मुझे बहुत ही बेहतर बहुत ही बेहतरीन लगे हैं। तो मेक श्योर कि आप डाउनलोड करें, वंस अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, बट प्लीज नोट दैट दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।